भगवान ने भी किसान की किस्मत में 12 महीने संघर्ष करना ही लिख दिया है, जिसका निर्वाह वह समय समय पर कर रहा है। खेत तैयार करने से लेकर फसल बेचने तक कई जतन करना पड़ता है। इसी कड़ी में समर्थन मूल्य पर चना बेचने के लिए मामा के राज में लोगों को एक नहीं दो नहीं तीन दिनों तक 46 डिग्री टेम्परेचर की भीषण गर्मी में दिन में और 38 डिग्री के टेम्परेचर में कृषि उपज मंडी में खुले में राजजगह करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। रात्रि में चने की रखवाली कर रहे ग्राम केशवपुरा श्रीखंडी हनुमंतिया डोंगरगांव के किसान सुनील पाटिल रामेश्वर पाटीदार जगदीश यादव ने बताया कि किसान की किस्मत में तो संघर्ष ही है। अब हमको समर्थन मूल्य पर चना बेचने के लिए दो दो दिनों तक घर परिवार छोड़कर मंडी में ही रत जगह करके लाइन लगाना पड़ रही है। मंडी में ना ही किसानों के लिए कृषि उपज मंडी द्वारा बिस्तर की, ना ही पीने के पानी की व सरकारी शुल्क पर भोजन की कोई व्यवस्था है। हमें सेव परमल के सहारे ही रात काटना पड़ रही है। वहीं SMS अधिक करने के कारण किसानों को वाहन की लंबी लाइन लगाना पड़ रही है और साथ किसानों को वाहन किराए से लेकर चना लाना पड़ता है। दो दिनों तक चने नहीं तुलने के कारण वाहन किराए की भी डबल मार किसानों को पड़ रही है। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। आप कहाँ से आए? रिकंडी से। क्या लेकर आए रात में मंडी में? वाहन में चने लेकर आए ना। चने लेकर आए जी। तो क्या रात यहीं रुकोगे? जी यहीं रुकोगे ना सर। तो नंबर आपका लगा अभी नहीं? लगा अभी नहीं लगा सर, हम दो से अभी आए। ऐसा दूर से आए, अपना नंबर हमें लगा नहीं और कल भी कोई भरोसा नहीं। क्या नाम लिखते हैं? सुनील बद्री पाटिल, केशवपुरा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।